खामोशी से बैठे हैं और जल से कार्रवाई सुने। मैं गुजारिश करूंगा कि इंजीनियर खुर्शीद आकर के आपको दो बातें करें, मंजूर फरमा कर हमारी मुश्किल का हल कर। वो एक हायर एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वो इस सड़क की, तो जज्बा ऐसा ही होगा, आपका जोश ऐसा ही होगा और आप वोट देंगे और खुर्शीद साहब को यहाँ से जिताएंगे। आज उमर साहब हम उस इलाके में हैं जो जम्मू कश्मीर का सबसे भी सहूलियात से महरूम है और इस इलाके में यहाँ अच्छी सड़कें हैं, यहाँ कम अज कम 2 दर्जन अस्पताल हैं जिनमें शायद कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई नाइट सर्विस नहीं है डॉक्टरों की, कहीं आपको डिजिटल एक्सरे नहीं मिलेगा, कहीं आपको अच्छी एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, कहीं आपको पानी की कोई अच्छी स्कीम नहीं मिलेगी, कहीं आपको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। बेरोजगारी यहाँ पे अरूज पे है, तो आपने ये आज फैसला करना है कि आप इन्हीं मुश्किलात में रहेंगे, इन्हीं मुसीबतों में रहेंगे, या आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप एक अच्छा स्थान चाहते हैं, एक अच्छा स्कूल चाहते हैं, एक अच्छा कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में हम मौके पे इसी तरह हेलीकॉप्टर उतार के डीजी साहब को भेजा करते थे और वहाँ पे डीजी भर्ती का पुलिस में सिलसिला रहता था, वहाँ कैंप लगती थी, बच्चों का लाइन लगता था, अगर छाती बराबर कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे वहां दस्तखत करके बच्चों को पुलिस में दाखिल करते थे। आज 10 साल हो गए हमने कहीं पे डीजी भर्ती नहीं देखी, हमने यहाँ पे सरकारी मुलाजमत नौजवानों को मिलते हुए नहीं देखा। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर आपके वोटों और आपकी दुआओं के नतीजे में 8 अक्टूबर के बाद हमारी हुकूमत बनी तो चंद दिनों के अंदर हम कम से कम 1,00,000 नौजवानों को सरकारी मुलाजमत देंगे। हम इन दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी को हेलीकॉप्टर में भेज के यहाँ डीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करेंगे। कौन सा ऐसा चीज है जिसको लेके हम परेशान नहीं है? वो ठीक है, बड़ी लड़ाई हम मरकज के साथ 370 के लिए लड़ेंगे, अपनी रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा के हमारे मुतालबे हैं, परेशानियां हैं, उनका भी इन पिछले 8-10 सालों में इलाज नहीं हुआ। हमारे उम्मीदवार साहब ने अपनी तकरीर के दौरान, गनी मलिक साहब ने अपनी तकरीर के दौरान यहाँ बिजली के हवाले से बात की और अफसोस इस बात का कि हमारी दरियाओं का इन्होंने जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया बिजली हासिल करने के लिए। आज 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट और बिजली की फीस आज आसमान में। मेरे दौरे हुकूमत में जब गनी मलिक साहब मेरे साथ मिनिस्टर थे, जब मियां अल्ताफ साहब मिनिस्टर थे, महीने का बिजली का बिल 150-200-250 रुपए महीना, उससे ज्यादा नहीं। आज बदकिस्मती से इन तमाम कट्स के बावजूद बिजली का बिल इन देहात के इलाकों में कम महीने का आपका 1650 रुपए है। आमदनी बात करें, मुझे अपना दौर याद है जब यहाँ राशन कार्ड के जरिए मिट्टी का तेल आपको फरहम किया जाता था, जब राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी दी जाती थी, जब राशन कार्ड के जरिए राशन का स्केल इतना होता था कि उससे आपका गुजारा हो जाता था।
आज राशन घाट में आपको चीनी नहीं मिलती। अगर के हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिखाया कि बीजेपी को किस तरह हराया जा सकता है। उस वक्त आपने 50,000 वोट जो हैं वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुश्तरका उम्मीदवार था उनके हक में दिलवाए, बीजेपी को यहाँ सिर्फ 12,000 के आसपास वोट मिले। मैं चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में भी हमारे जो इंजीनियर साहब यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं वो भी इतनी ही बड़ी मार्जिन से यहाँ से कामयाब होके जाएं